हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो इस लेक्चर में आज हम लोग सीखने वाले हैं सिमेट्री के बारे में। लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और किन कंडीशन में कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। तो मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई थी, अगर आपको याद होगा तो। पहला कि मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, अगर मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होना है तो उसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा आपने सीखा था कि उस मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन का होना जरूरी है या कायरल कार्बन का होना जरूरी है। अब इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में जो पढ़ेंगे कितने टाइप की सिमेट्रीज होती हैं और कौन कौन सी सिमेट्री है जिसके ना होने से मॉलिक्यूल में एक्टिविटी आएगी, और एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। सो पहले आज के लेक्चर का जो मेन मोटो हमारा वो है, हमें सीखना है सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने टाइप की सिमेट्रीज हो सकती हैं, उन सभी सिमेट्रियों को आज हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग ज्वाइन कर लो और एक बार वीडियो को लाइक करके जो बच्चे अभी नहीं ज्वाइन किए उन तक शेयर कर दीजिए ताकि सबका सब ज्वाइन कर लें। एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देना चाहता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था कि सिमेट्री जो होता है किसी मॉलिक्यूल में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, और ये सिमेट्री होता क्या है अगर इसके बारे में पूछा जाए आपसे तो आप क्या बताओगे। तो मैंने कहा था दो चीज़ें आपको सिखाया था बताने के लिए। एक कहा था सिमेट्री एलिमेंट होता है मॉलिक्यूल में, और दूसरा सिमेट्री ऑपरेशन होता है। तो एक आपने देखा था सिमेट्री एलिमेंट्स, है ना, सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं सिमेट्री ऑपरेशन, जिसके बेसिस पे हमने बताया था मॉलिक्यूल सिमेट्री है कि नहीं है। सिमेट्री ऑपरेशन, तो जो सिमेट्री एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हमें आज डिटेल में पढ़ना है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला आपने देखा था प्लेन हो सकता था वो एलिमेंट, है ना, प्लेन हो सकता था या एक्सिस हो सकता है या सेंटर हो सकता है, यही तीनों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, या कोई सेंटर हो सकता है। ये तीन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं जिसपे हम लोग क्या कराते हैं, या तो रोटेशन कराते थे, या तो रिफ्लेक्शन कराते हैं, या तो रोटेशन या तो रिफ्लेक्शन, और या तो कराते हैं इन्वर्जन, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ कराने पे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सेम आ जाता था, इनडिस्टिंग्विजिबल आ जाता था, आइडेंटिकल आ जाता था, तो हम बोलते थे इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, और अगर नहीं आता था तो बोलते इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है। तो आज हम लोग इन तीनों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और जो अभी नहीं जुड़े उन तक शेयर करो, और सबको बोलो जल्दी से ज्वाइन कर ले, ठीक है, जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं करें। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट सिमेट्री में से यही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो सभी लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से और देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या क्या हो सकता है, कैसे होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल की, और इसी के बारे में डिस्कशन अपना पूरा बेस्ड है। इसी में आपका मीजो कंपाउंड आएगा, आपको निकालना सिखा दूंगा सिमेट्री कैसे कैसे निकाली जाती है। सो सारा कुछ यहां तो हो ही जाने हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसा कि नाम ही बता रहा है ना, कोई प्लेन, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब कोई एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल भागों में कट कर दे, दो बराबर भागों में कट कर दे, ऐसे प्लेन को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है तो आप सिंपल क्या डिफाइन करना, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, ठीक है, एक इमेजिनरी प्लेन है, इमेजिन किया जाता है बस, इमेजिनरी प्लेन विच कट या बाइसेक्ट, विच कट और बाइसेक्ट ए मॉलिक्यूल इंटू, बाइसेक्ट ए मॉलिक्यूल इंटू टू इक्वल हाफ, इंटू टू इक्वल हाफ, दो बराबर भागों में कर दे, ठीक है। दो इक्वल हाफ का मतलब होता है दो बराबर भागों में कर दे, टू इक्वल हाफ, सच इमेजिनरी प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, या सच प्लेन
इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। बड़ा ही सिंपल तरीके से इसको आप समझ जाओगे एक एग्जांपल के साथ, ठीक है ना। तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये है कि जिन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो इफ एनी मॉलिक्यूल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट सिंपल मीन्स उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी तो नहीं होनी है, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो ही नहीं सकता। तो मॉलिक्यूल हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मॉलिक्यूल्स हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, वो लाइट के साथ कोई बिहेवियर शो नहीं कर सकता, वो हमेशा ऑप्टिकली क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। और इनएक्टिव स्पीसीज को एकाइरल कहा जाता है, ठीक है, एकाइरल। एक्टिव को काइरल कहा जाता है और इनएक्टिव को क्या कहा जाता है, काइरल। तो ये दोनों टर्म याद रखना, काइरल और एकाइरल से क्या मतलब है। अगर एकाइरल बोलेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात करेंगे, और काइरल बोलेंगे तो ऑप्टिकल एक्टिव की बात करेंगे। बच्चों तो ये बात ध्यान रखना कि अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री को शॉर्टकट में मैं आगे POS लिखूंगा, ठीक है ना, POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, शॉर्टकट बार बार लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। जिन मॉलिक्यूल में POS प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आइए कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें पहले बता दूं, तब हम एग्जांपल लेंगे, क्योंकि कई बार हम कन्फ्यूजन में ना गलती करते हैं, और मैं नहीं चाहता आप में से कोई गलती करो, इसीलिए पहले वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि ये भी एक गलती है, वीडियो ना लाइक करना है कि नहीं, करना चाहिए ना। सो चलो करते हैं। सबसे पहला, अगर कोई एटम या ग्रुप लिखा होगा बच्चों, कोई भी एटम या ग्रुप लिखा है, आप उसको स्फीयर मानोगे, गोला स्फीयर मानोगे। जैसे हमने मान लो लिख दिया Cl, तो Cl का मतलब क्लोरीन है। आप कहोगे सर बीचों बीच काट दें C अलग हो जाएगा L अलग, ना, गलत जवाब। इसको Cl को मान लो गोला, और इस गोले को ऐसे पोत दो। अब ये गोला जो है स्फीयर है, इसको काटेंगे आधा आधा, तो दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। अगर कोई ग्रुप मेथिल लगा हुआ है तो मेथिल को आपको स्फीयर मानना है ऐसे, और इस स्फीयर को कट करना है, ठीक है ना। तो कटेगा तो दो इक्वल हाफ में चला जाएगा। तो जो भी एटम या ग्रुप दिखेगा उसको मानना है गोला, उसको मानना है स्फीयर, और जो स्फीयर होगा उसी को कट मारना है, ठीक। अब चलो दिखाते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे मान लो हमने एक स्पीसीज लिया, ओ लिया, ओ जो लेटर है ओ, इसको हम क्या दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। अगर इसको हम बोले कि चलो इसको काटो, तो देखो इधर दो इक्वल हाफ में कट जाएगा क्या, इधर से भी दो बराबर भागों में कट गया, और इधर से काटते तब भी दो बराबर भागों में कट जाता। तो दो इक्वल हाफ में कट गया मतलब क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और दो इक्वल हाफ में नहीं कटा मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो सबसे पहले अपन लोग को यही चेक करना है कि दो इक्वल हाफ में कटता है कि नहीं कटता है। तो हम अब लेंगे स्पेसिफिक एग्जांपल्स। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो लोग नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो लाइक करके वीडियो को शेयर करें। हम सबसे पहले आपके सामने एक एग्जांपल देने वाले हैं, CH3 यहां पे OH, यहां पे H है, और यहां भी मैंने लगा दिया CH3। अब अगर आपसे पूछे बच्चों क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल भाग में काटा जा सकता है, आपका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग अपना आंसर दीजिए, क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। द फर्स्ट एग्जांपल इज दिस, क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, लेट मी नो, आप लोग बताइए है। वेरी गुड इवनिंग एवरीबडी। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ बच्चों, वहाँ पर जो लिंक दिया उसके नीचे क्लिक करो, आपको मिल जाएगा सारा चैनल, सब जगह जुड़ जाओ, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आगे से बहुत सारे मैं वहीं भेजूंगा। सो आप सभी लोग उधर ज्वाइन रहना, क्योंकि उधर एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आपको फायदा रहेगा। यस, इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि हमें क्या करना है, इस एटम को बना लो गोला और इस एटम को बना लो गोला, ठीक, और इस गोले को बीचों बीच कट कर दो बच्चों, इस गोले को क्या करना है, बीचों बीच कट मार दो। तो बीचों बीच कट मारने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, यहां से ऐसे कट मारो, देखो आधा पार्ट जो ऊपर है वही पार्ट नीचे है, दो इक्वल बराबर भागों में कट गया, चलो यहां से काट लो, ये यहां से, ठीक,
जो पार्ट ऊपर है वही पार्ट नीचे है, इस गोले का आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, इस गोले का आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, ये मेथाइल नीचे ये मेथाइल ऊपर, तो यहां से क्या हुआ इक्वल हाफ में बट गया। क्या हुआ इक्वल हाफ में बट गया। तो ये जो प्लेन है इसी का नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसने क्या किया एक मॉलिक्यूल को दो इक्वल भागों में कट करके छोड़ दिया, दो बराबर भागों में काट दिया, ऐसे बीचों बीच चीर दिया। देखो दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। तो क्या ये मॉलिक्यूल काइरल होगा कि एकाइरल होगा, काइरल होगा कि एकाइरल होगा, तो ये मॉलिक्यूल एकाइरल होगा। एकाइरल मॉलिक्यूल जो आल्सो नोन एज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहे जाते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। सो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ पहला स्टेटमेंट, ये पहला एग्जांपल था जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन लोगों ने फाइंड आउट किया है। दूसरा मॉलिक्यूल देखो, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। आप सबने इमली खाया होगा, है ना, इमली खाया होगा जिसका नाम होता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड में देखो बच्चों, ये है आपका एक स्पेसिफिक टार्टरिक एसिड। अगर इसको ध्यान से फोकस करिएगा तो आपको कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं दिखाई दे रहा है इसमें, क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसको अगर बीचों बीच कट करे तो क्या दो इक्वल हाफ में कटेगा क्या, देख के बताओ जरा तो सभी लोग, क्या ये मॉलिक्यूल दो इक्वल भाग में कटने के लिए रेडी है? इस मॉलिक्यूल में है कि नहीं है? परपेंडिकुलर काटे होते तब नहीं होता बेटा, हर प्लेन पे सिमेट्री नहीं होती है, किसी प्लेन पे होती है किसी प्लेन पे नहीं होती है। तो जो शिवानी आपने पूछा है परपेंडिकुलर काटने पे नहीं होता, ऐसे काटने पे नहीं होता सिमेट्री, क्योंकि इधर का ग्रुप इधर का ग्रुप अलग होता, अभी यही समझाऊंगा इसी में कैसे समझना है। इसमें है और ये प्लेन गुजरेगा यहां से, ये प्लेन दोनों मॉलिक्यूल के बीच से जाएगा, हमेशा एटम पर से नहीं जाता, कभी कभी एटम के ऊपर और नीचे से भी जाता है। तो जो व्हाइट लाइन में खींचा डैश डैश ना, ये क्या है, ये एक ऐसा प्लेन है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल भागों में कट करके छोड़ देता है। देखिए अब ये यहां से कटेगा जब इक्वल भाग में, तो जो पार्ट नीचे है वही पार्ट ऊपर है। अब देखो बच्चों, यहां आपको एक फोकस रखना है हमेशा, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे ही जहां से मॉलिक्यूल कटेगा उसके नीचे वाले पार्ट को ऐसे पलट दो, सेम एटम जब ऐसे फोल्ड करो, जैसे मान लो हमारे हाथ है, ठीक ऐसे है, ठीक ऐसे है, अगर इसको बीचों बीच काट दें और काट के इसको मैं ऐसे फोल्ड करूं तो अंगूठा अंगूठे पर जाएगा, ये यहां जाएगा, मिडिल फिंगर मिडिल पर जाएगा और कॉर्नर वाला कॉर्नर पर जाएगा। तो हर एटम क्या होगा, सेम एटम सेम पे गिरना चाहिए। तो इसको मैं यहां से काट के जब इसे पलट दूंगा तो सी डबल एच सी डबल एच के ऊपर गिरेगा, ओ एच ओ एच के ऊपर गिरेगा और एच एच के ऊपर गिरेगा, तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर एच ओ एच पे गिर गया ओ एच एच पे गिर गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, है ना, बात समझ में आया कि नहीं आया, वो फिर उस केस में नहीं होगा सिमेट्री। अभी उसका भी एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये दूसरा एग्जांपल था, आइए यहां पे पहले देखते हैं ये मॉलिक्यूल में पीओएस प्रेजेंट है कि अब्सेंट है। तो जिस मॉलिक्यूल में पीओएस प्रेजेंट, ये जो लिखा इसका मतलब होता है प्रेजेंट, शॉर्टकट में इसको प्रेजेंट लिखा, तो प्लस का मतलब प्र हो गया, एंटी का मतलब एंट, ठीक है, तो प्रेजेंट हो गया, ठीक। तो जहां पे पीओएस प्रेजेंट होगा वो मॉलिक्यूल हमेशा होगा एकाइरल, जहां पे पीओएस आएगा वो मॉलिक्यूल एकाइरल कहलाएगा। क्लियर कट, समझ में आया सभी को? समझ में आया तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो, अभी बहुत बच्चे नहीं लाइक कर रहे हैं। ये आ गया सभी को, और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपलों का तो लाइन लगाना है ना। जैसे देखो ये एग्जांपल ध्यान सभी लोग देखना, गलत नहीं होना चाहिए, बस ये OH है ये H है, यहां पे BR है यहां पे CL है, देन फर्दर यहां पे OH है यहां पे H है और यहां पे CH3 है। इस मॉलिक्यूल में आपको बताना है, मैं इसको नाम दिया A, क्या A काइरल है कि एकाइरल है, POS प्रेजेंट है कि POS अब्सेंट है। दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं सी डबल ओ एच का, यहां पे हमने लगाया ओ एच 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 ओ एच ओ एच एच सी डबल ओ एच, ये है आपका बी। आप ए के सामने लिखिएगा प्रेजेंट अब्सेंट एक्टिव इनएक्टिव, ठीक है ना, जो भी लिखा है उसके सामने आप अपना जो भी आएगा उसको लिखिएगा, ठीक है। तीसरा हो गया सी, ये बी था, अब आ जाएगा हमारा सी। सी मॉलिक्यूल में सेम लगाएंगे सी डबल ओ एच ओ एच एच ओ एच 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 ओ एच और यहां नीचे फिर लगा दिया सी डबल ओ एच।
एबीसी, ये तीन कंपाउंड है, पहले इन तीनों कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लेते हैं, अगर होगा तब आगे बढ़ेंगे, दूसरा चेक करेंगे, फिर तीसरा चेक करेंगे, फिर चौथा चेक करेंगे। तो जिन लोगों ने, कौन कौन आज पहली क्लास कर रहा है, कोई ऐसा है इसमें आज लेक्चर में जो फर्स्ट क्लास कर रहा हो? अगर फर्स्ट क्लास कर रहे हो बच्चों, तो ज्वाइन करने से पहले आप दो काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और व्हाट्सएप चैनल, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप कहाँ पर क्लिक करोगे, जो आपको दिखाई दे रहा है ना मोर, मेन टॉपिक जो लिखा है उसके नीचे मोर लिखा है, मोर पर क्लिक करो, ओपन हो जाएगा, वहीं पर आपको मारना है क्लिक, ठीक है? सो देखते हैं किसका किसका क्या आंसर आया। पहला वाला, पहले वाले में देखना है क्या आंसर दे रहा, सभी लोग आंसर दो तब माना जाएगा किसका किसका है। नो पीएस प्रेजेंट, किस वाले में? ए बी सी, ए में डोंट पीएस एंड कैरल कार्बन, ओके। ए में प्रेजेंट है, अनुज का प्रेजेंट है, सौरभ का एब्सेंट है, पीएस प्रेजेंट है, रंग बहादुर का प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पहले वाले में प्रेजेंट है, पहले वाले में इसको गोला मारना है, ठीक है? क्योंकि बीचों बीच यही आया है, बाकी ऊपर नीचे देखो बराबर बराबर है। ये पहला वाला यहीं से इसको मारना है गोला, यहाँ से काट दो इसको, ये बीचों बीच कट कर लो, आधा आधा आइटम कट गया, देखो ये बच्चों लोग आधा आधा आइटम कट गया ना। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर रहा है, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री होके गुजर रहा है। ये गोला भी देखो दो बराबर भागों में कट गया ना, यहाँ से दोनों गोले आधा कट गए, और ये जब फोल्ड करेंगे तो आधा गोला इस आधे गोले पे गिरेगा, OH हमारे OH पे गिरेगा, HH पे गिरेगा, मेथिल मेथिल पे गिरेगा, तो बराबर हो जाएगा, तो POS क्या होगा इसमें? प्रेजेंट। यहाँ पे POS प्रेजेंट, तो मॉलिक्यूल होगा एक आयरल, यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा एक आयरल, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। किसका किसका सही था ये देखो, जिसका जिसका करेक्ट था करेक्ट था, बाकी लोगों ने गलती कर दी, गलत नहीं करना था, ठीक है? अब BOS B में चलेंगे, A में प्रेजेंट, बी में भी सेम कहानी है, बी में भी सेम कहानी है, कहानी कहाँ से बनी है? यहाँ से। इसको फिर जहाँ पे तीन ठो कैरल कार्बन होंगे ना, उसके बीच से काटना, ठीक है? वहाँ एटम भी कट जाएगा, और जिसमें इवन नंबर ऑफ होगा वहाँ पे आपका बीचों बीच कटेगा, वहाँ एटम नहीं कट होते हैं, ठीक है? तो यहाँ फिर से हमारा जो गोला लगेगा वो यहाँ से लगेगा, ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है? ये वाला जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री से होके जा रहा है। तो यहाँ पे आपका ये क्या है? पी ओ एस है, दिस इज पी ओ एस, ये फर्दर कट जाएगा, तो यहाँ भी पी ओ एस क्या होगा? प्रेजेंट। तो मॉलिक्यूल क्या होगा? एक आयरल, दिस मॉलिक्यूल इज फर्दर एक आयरल। यहाँ भी मॉलिक्यूल में कैरल्टी चली गई, मॉलिक्यूल बेचारा कैरल्टी को अपना गवा दिया है, मॉलिक्यूल अब फिर से कायरल यहाँ नहीं रहा। नाउ व्हाट अबाउट द सी? सी में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, यहाँ पे पी ओ एस क्या है? एब्सेंट, निगेटिव का मतलब एब्सेंट, और ये कायरल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? काइरल। रीजन दिखाता हूं, अगर आप कहीं से प्लेन लगाओगे, मान लो यहां से बीचों बीच कट किए, जब इसको फोल्ड करोगे बच्चा, तो एच ओ एच पे गिर जाएगा, और यहां ओ एच एच पे, जबकि प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलता है सेम एटम सेम पे गिरना चाहिए, यहां पे क्या होगा? दूसरा एटम दूसरे पे गिरेगा, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए सी में क्या होगा? एब्सेंट। सी में एब्सेंट है खुशबू, सी में एब्सेंट है, नॉट प्रेजेंट। यस, नॉट प्रेजेंट का मतलब एब्सेंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये काइरल हो जाएगा। क्लियर कट समझ में आया? आप कट करने के बाद फोल्ड करके देखिएगा, सेम एटम सेम पे नहीं आना चाहिए, अगर सेम एटम सेम पे आ गया तब तो कहानी गड़बड़ा जाएगी ना, सॉरी तब तो प्लेन प्रेजेंट हो जाएगा, पीओएस प्रेजेंट हो जाएगा, और जब सेम सेम पे नहीं गिरेगा तो पीओएस एब्सेंट हो जाएगा। तो देखना यही है कि सेम सेम पे आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, कंफ्यूजन तो होगा ही, तो पढ़ाई इसीलिए रहे ना, कंफ्यूजन ना रहे, पहले था आगे नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल, है तो रहेगा ही, बट पढ़ने के बाद क्लियर हो जाए, उससे बेहतर कुछ होता है क्या? नहीं होता है, है ना? सो आगे चला जाए, सभी ने वीडियो लाइक कर रखा है ना? देखो मुझे बार बार कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि आप लोग ना बहुत लेजी हो, आप लोग काम नहीं करते हो, पढ़ाया भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, तो कहना पड़ता है। नाउ अब हम लोग पीएस पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक सिस्टम में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शानदार है, तो सभी लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बनाना, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम की जो पीएस होती है वो एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंस होता है उसका, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना? सो हम लोग जो सीखने वाले हैं वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेवल सीखने वाले हैं। तो आपको पहले बता दूं, अब पीओएस इन साइक्लिक सिस्टम, पीओएस इन साइक्लिक सिस्टम, ये क्यों बता रहा हूं? अगर आप आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे,
तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो पीओएस इन साइक्लिक सिस्टम, यहाँ पे जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें मुझे समझानी बहुत जरूरी है। मुझे पता है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट सिंपल सिंपल पढ़ के निकल जाते हैं, जिससे उनको आइडिया नहीं होता साइक्लिक में प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखा जाएगा। तो आप लोग को दिखाने से पहले कुछ चीज़ें बता दूँ, ठीक। आप सब बताओ, अगर कोई sp3 कार्बन होगा, अगर कोई कार्बन sp3 है तो प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा, आप लोग बताइए। अगर कोई कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है तो क्या वो प्लेनर होगा या वो नॉन प्लेनर होगा? तो ये कभी भी प्लेनर नहीं होगा, टेट्राहेड्रल है ना, तो नॉन प्लेनर होता है, ठीक है, नॉन प्लेनर। तो जो भी मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होते हैं उसमें दो एटम, देखो ऐसे लिखा जाता है, दो एटम ऑन द प्लेन होते हैं और एक को ऐसे बोल्ड लाइन से दिखाते हैं, बोल्ड लाइन से, और एक को ऐसे डैश लाइन से दिखाते हैं, ठीक है, एक बोल्ड लाइन से और एक डैश लाइन से। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो मेरे पास एक ही पेन है, जो जुगाड़ करता हूँ एक और पेन, आप लोग को दिखाना है ना स्ट्रक्चर, दूसरा पेन तो दिख ही नहीं रहा है, नहीं है यहाँ पे। चलो ऐसे समझो, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर जो बनाया, ठीक, अगर मैं आपको टेट्राहेड्रल दिया तो जो ये बोल्ड वाला लाइन देख रहे हो, मैं मान लो इस पे लिखने वाला हूं, तो दो एटम इस प्लेन पे लिखूंगा, एक जो है ये ब्लैक वाला आपके आंखों के साइड आ रहा होगा और जो डैश वाला है बोर्ड के पीछे जा रहा होगा, बोर्ड के पीछे मतलब दीवार साइड। तो आपको क्या दिखाई देगा, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे और दो ऑन द प्लेन। तो ये कभी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल प्लेनर हो ही नहीं सकते। तो आपको ऐसे समझना है कि एक प्लेन के बाहर आ रहा है और एक प्लेन के अंदर जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर डिसाइड करना है मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक ऊपर और एक नीचे है, प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे, ऐसे मतलब ऐसे समझो, एक ऐसे गया और एक अंदर गया, ऐसे है। मैं इसको बोर्ड पे लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा, मेरा जो हाथ है ये वाला वो बोर्ड के अंदर जा रहा है और जो ये आपका मार्कर है वो आपके आंखों के सामने आ रहा है, और दो एटम एक इधर और एक इधर ऑन द बोर्ड है। बस ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलो इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको किनारे कर देते हैं थोड़ा, ये दोनों दिखते रहना चाहिए, बट इनका आपको बस समझाने के लिए था ये, कि आपको समझ में रहे, नहीं तो क्या होता है कई बार बच्चे समझते नहीं और सब गड़बड़ कर देते हैं। तो सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन में चलूंगा, साइक्लोप्रोपेन। देखो बच्चों, साइक्लोप्रोपेन में जाने का हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट जो आएगा उसको सीखिएगा। ये साइक्लोप्रोपेन है, देखो जरा सभी लोग, ये है साइक्लोप्रोपेन। क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है, क्या इस रिंग में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, हाँ या ना? इसमें तो 75 जगह से दिख रहा होगा आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब 75 का मतलब गिनना नहीं है, काउंटिंग नहीं है, इसको कई डायरेक्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देख पा रहे होगे, ठीक है। देखो कैसे, ये यहां से अगर हम कट करें तब भी दो इक्वल भागों में कट रहा है, देखो इधर इधर, यहां से कट लगाएं तब भी दो इक्वल भागों में कटेगा, यहां से कट लगाएं तब भी दो इक्वल भागों में कटेगा, है ना। तो तीनों एक्सिस इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जब मैंने इस पर कोई और सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया था तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दो इक्वल भागों में कट रहा है ना, दो इक्वल भागों में कट रहा है, क्लियर है ना। अब इसमें तो था, हम अब आपको बताने वाले हैं इसमें है कि नहीं है। सभी लोग देखो जरा, मैंने यहां लिख दिया br और यहां लिख दिया h, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? तो यही मैटर फंसेगा, ठीक है ना, यही मैटर फंसेगा, बट मैटर को मैं क्लियर करूंगा। आपके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू योर व्यू यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, बस अकॉर्डिंग टू यू यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, पहले आपका आंसर हो जाए ना, आप लोग क्या आंसर करते हो उसके बेसिस पे हम आगे चलेंगे ना। है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, देख लो अच्छे से, है यहां पे पीएस है। अब वही समझाना है आपको, पीएस प्रेजेंट है, कुछ लोगों को नहीं दिखेगा कुछ लोगों को दिखेगा, मतलब ये प्रेजेंट है तो एक आयरल हुआ पक्का है, प्रेजेंट है तो एक आयरल ही होना है, इसको कैसे है ये समझो, ये कैसे है ये समझिए। हम समझ रहे, जो लोग नो बोल रहे हैं उसका भी रीजन मैं समझ रहा हूं, आपको ये बीचों बीच ऐसे काटे होगा ना, ऐसे काटे होगा तो लग रहा होगा br इधर h इधर है, बट उसको ऐसे नहीं समझना था, ठीक है ना, उसको समझना था br ये ब्लैक वाला मार्कर हो गया और h हो गया जो पीछे गया हमारा ये हाथ, ठीक, यहां गोला लगा दो और इसके पीछे वाले पे भी लगा दो गोला, और इधर जो गया CH2 और इधर भी जो गया वो CH2, मतलब ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल, ट्रायंगल का इधर CH2, ट्रायंगल का इधर CH2, है ना, और जो आपके आंखों के सामने गया वो br और जो आंखों से पीछे गया वो h,
बी आर का गोला और एच का गोला उसी के ऊपर से काटो ऐसे, ठीक है। अपने घर में एक ट्रायंगल ऐसे बनाओ, एक कॉपी पेन ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ रखो और उसको ऐसे बीचों बीच काटो, तो आधा बी आर आधा एच आधा आधा हो जाएंगे और सी एच टू इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो ये एकदम बीचों बीच कट जाएगा, है ना, ये एकदम सेंटर में कट जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। बात समझ में आया? कैसे समझ में आया कि नहीं यार? बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा ये। सो आपको देखना है, यही चीज लगाना है कि अगर यहीं पे एक स्टेटमेंट भी नोट कर लो, कोई भी साइक्लिक सिस्टम हो अगर सब्स्टिट्यूएंट वन वन पोजीशन पे लगे हैं तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। कोई भी साइक्लिक सिस्टम हो अगर वन पोजीशन पे वन वन पे लगा हुआ है एटम तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। सो वन वन डाई सब्स्टिट्यूटेड, वन वन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक सिस्टम हैव, साइक्लिक सिस्टम हैव पीओएस, वो हमेशा उसके पास पीओएस होता ही है। तो अगर वन वन डाई सब्स्टिट्यूटेड है बच्चों तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पक्का आना ही आना है, उसको आने से कोई रोक नहीं सकता है। दैट इज द क्लियर। नहीं समझ में आया? हाँ, वो थ्री डायमेंशनल ही है इसीलिए तो नहीं समझ आया। मैंने क्या बोला, देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो ये हमारा मोबाइल है और ट्रायंगल बनाने के लिए मेरे पास कुछ, एक मिनट रुक जाओ, देखें इसके अंदर थ्री डी स्ट्रक्चर है तो काम कर गया तो ठीक, नहीं करा तो भी ठीक। थ्री डी में हम बनाएंगे ट्रायंगल, तो आइए ट्रायंगल बनाते हैं थ्री डायमेंशनल, है ना। बट थ्री डायमेंशनल तो बना नहीं, तो बना टू डायमेंशनल। देखते हैं कैसे काम करता है ये, ठीक। जस्ट ए मिनट, ट्रायंगल दिया है, ये दिया है, ये ट्रायंगल अगर हम ऐसे बना दें, देखो इसको जरा ऐसे बना दें, ये ट्रायंगल है, ठीक। हमें क्या करना है, एक एटम इसके ऊपर लगाना है, बट इसमें तब भी दिखा नहीं पाएंगे ना, बोल्ड नहीं हो पाएगा, थोड़ा देख पाना मुश्किल है इसको, इसमें दिखेगा नहीं, नहीं तो मैं दिखा देता। एक्चुअली एटम और ग्रुप लगाने पड़ेंगे ना। तो अगर इस ट्रायंगल की आप बात करोगे, इस ट्रायंगल की आप अगर बात करते हो तो आप देखो इस ट्रायंगल में कहीं भी कुछ भी लगाओ, ठीक है, कुछ भी लगाओ, एक इस ट्रायंगल पे देखना है कि हमारा एक एटम जो होगा ये आपके आंखों के साइड ऐसे जा रहा होगा, ये जो बी आर है वो आपके आंखों के साइड ऐसे रखना है, ठीक है। और जस्ट इसके पीछे क्या रखना है, एच, बोर्ड के पीछे। और आपको काटना कहां से, देखो ये इक्वल इक्वल दिख रहा है ना, यहां से अगर कटा ऐसे तो इक्वल हाफ में कटेगा, तो आपका जो बी आर है वो यहीं पे है, ये यहीं से ऐसे काटो, ऐसे तो ऐसे काटोगे बीचों बीच, ये बी आर का गोला यहां लगा हुआ है और इसी के पीछे एच का गोला है, तो एच और बी आर यहां से ऐसे चीरेंगे इक्वल हाफ में, तो दो बराबर भागों में क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, दो बराबर भागों में क्या होगा, कट जाएगा। टू टू थ्री थ्री में नहीं होता। बात समझ में आया सभी को? ऐसे ही काटना है बीच में से, वन पे होगा तो आपको करना क्या, एक ट्रायंगल बनाओ अपने घर में, ऐसे पन्ना फाड़ो, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल मेरे पास, मैं पेज भी नहीं रखा हूं तो फाड़ के भी बना देता, ट्रायंगल बनाओ ऐसे पेज फाड़ के, और एक कॉर्नर पे एक पेन अपने आंखों के साइड करो और एक पेन उसके पीछे करो ऐसे लगा के, ठीक है ना। और फिर जहां दो पेन है उन्हीं पेन के बीच से ऊपर से काट दो, इक्वल इक्वल कट जाएगा, ठीक है, एक बार इक्वल इक्वल में कट जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर मैं रुको एक पेन लेके आता हूँ फिर बताता हूँ, जस्ट वन मिनट। चलो भाई मैं आ गया लेके, ठीक है, पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद।
बताता हूँ, दिखेगा। देखिए इसको ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, ठीक है। ट्रायंगल बनाना तो सबको आता होगा, तो आप पहला काम क्या कर लो, एक ट्रायंगल बना लो। तो ट्रायंगल्स हमारा काम बन जाएगा। अब ये देखो, सभी को ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, आएगा समझ में, अच्छे अच्छे को समझ में आता है। ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सभी को, ध्यान से देखो ट्रायंगल, ये सी एच टू, ये सी एच टू। ट्रायंगल पे तो आप कहीं से लगाते हैं, यहां से काटते तब भी कोला आप में कट जाता है ना, यहां से बीचों बीच इधर से काटते तब भी कट जाता, नीचे से काटते ऊपर तब भी कट जाता। क्लियर है ये पहली बात, सभी लोग बताओ क्लियर है। इसको देखो और बताते चलो, दो इक्वल भाग में काट दिया ना इसको। अब जो है वो वन वन पे लगाना है। मैंने दो पेन लिया, ठीक, ब्लैक वाले पेन को मान लो ब्रोमीन और व्हाइट वाले को मान लो हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन मान लो। और करना क्या है, इस ट्रायंगल को पकड़ना है और ऐसे फंसाना है, ये इसको ऐसे फंसाना है। देखो ध्यान से, ये रहा ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है। अगर हम बोर्ड पे लिखेंगे इसको तो बोर्ड पे अभी तुम ऐसे देख रहे हो, बट ऐसे 3D नहीं है, प्लेनर हो नहीं सकता। बोर्ड पे आपको लग रहा था मैंने ऐसे लिखा है ना, बट एक्चुअली ऐसे नहीं है। ऐसे होगा तो चारों देखो, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, चारों एटम क्या आ जाएंगे, सेम टू सेम, बट चारों सेम तो हो नहीं सकते प्लेन पे। तो है क्या, ये ट्रायंगल ऐसे ही है, ये नहीं चेंज हुआ है। बस हुआ क्या है, एक एटम आपके आंखों के साइड आ गया, ऐसे आ गया है बस। ये वाला पेन आपके आंखों के साइड है और ब्लैक वाला मेरे आंखों के साइड है, पीछे मैं हूं तो मेरे और ये आपके सामने है। अब इसी को बीचों बीच यहीं से काटो, एकदम सेंटर से काटो। देखो ये वाला आपका स्ट्रक्चर है, आपको क्या करना, इसी को ऊपर से काट दो। तो आधा ये कट जाएगा, आधा ये कट जाएगा, एकदम इक्वल इक्वल होते हुए आ रहा है। देखो ऊपर से एकदम सीधा हुआ कि नहीं हुआ, कट हुआ, देख के बता दो, समझ में आया कि नहीं आया। आप एकदम ऐसा मॉलिक्यूल है, इसके यहां से काटे हैं, ऐसे काटेंगे तो आधा आपके साइड आधा मेरे साइड। चाहे ऐसे रख के काटो, चाहे ऐसे रख के काटो, चाहे उल्टा करके काटो, चाहे पुल्टा करके काटो, काटना इसी के ऊपर से, दोनों H और BR के ऊपर से ही कट के जाना चाहिए, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अभी और बताऊंगा और एग्जांपल्स करूंगा, ठीक है। सो आगे चलो, अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल है, अगर मान लो हमने यहां पर लगा दिया, एक मेथाइल लगा दिया और एक BR लगा दिया, तो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। अभी मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। देखो सभी लोग बताओ, इस वाले स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, समझ आ गया ना, आएगा आएगा, सारा समझाएंगे ना, अब ये स्ट्रक्चर बना बना समझाएंगे, घबराओ मत। जो मॉलिक्यूल नेक्स्ट दिया उसमें क्या है, आपको 3D स्ट्रक्चर होते तो आपको विजुअलाइजेशन भी 3D में ही करना होता ना, वो मजबूरी है, क्या ही करोगे, 3D नहीं विजुअलाइज करोगे तो आप बना नहीं पाओगे ना बच्चों, तो 3D विजुअलाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसमें है और वही स्ट्रक्चर है, 1-1 है तो पक्का होगा, मेथाइल और BR के ऊपर से काटना है, खत्म कर देंगे, इसके प्राण निकाल लेंगे काट के, कैसे नहीं कटेगा। आ जाओ दूसरा, यहां हमने लगा दिया CH3 और हमने यहां भी लगा दिया CH3, बताओ बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, इस वाले मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसको यहां से काट दो एकदम ऐसे इक्वल इक्वल, तो POS क्या हुआ, प्रेजेंट। तो POS प्रेजेंट तो एक आयरल, जहां जहां POS प्रेजेंट वो क्या हो जाएगा, एक आयरल, यहां पे एक्टिविटी नहीं होगा। ये 1-2 है, 1-2 डाइमेथाइल, 1 पे एक है और दूसरा क्या है, 2 पे है। सभी लोग वीडियो लाइक करते चलो, कोई रुकेगा नहीं। तीसरा मैं आपको जो देने जा रहा हूं, उसमें एक साइड है बोल्ड लाइन से BR, ठीक है, और एक साइड है बोल्ड लाइन से CL, यहां पे CL है। अब बता इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, इसको जब यहां से काट के पलटे होते तो मेथाइल मेथाइल पे आता, बट इस वाले में देखो आप, अगर आप लोग कट करोगे तो ये आपको दिखाई देगा, अगर हम यहां काटेंगे तो ये ग्रुप अलग हो जाएगा और ये ग्रुप अलग हो जाएगा, तो नहीं कटेगा, मतलब कि यहां पे POS क्या है, ऑब्सेंट है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल काइरल है। उस वाले में प्रेजेंट नहीं था, क्यों प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि देखो दो जो हैलोजन थे वो अलग अलग थे, तो सेम पे नहीं कटता, तो नहीं कटता तो नहीं होता, ठीक है, तो उस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री पक्का नहीं होता। एक और एग्जांपल देखते हैं आप लोग इसका क्या बताते हो, यहां पे CH3 है, यहां पे भी CH3 है, बट यहां पे BR लगा दिया,
इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, वहां पे मैंने बी आर लगा दिया। अब इस केस में आपको बताना है क्या ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या गया, बचा है प्लेन ऑफ सिमेट्री की गया, सभी बच्चे बता दो। इस वाले में उसका तो हो गया, उसमें तो अब्सेंट था, इसमें क्या है, चौथे वाले में, आखिरी वाले में, लास्ट है, इसका क्या है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मुझे तो लग रहा है। क्यों नहीं, यहीं से काट देते हो, इसी के ऊपर से काटो ना, ऐसे इक्वल बार नहीं बटेगा। है, प्रेजेंट है, वेरी गुड। ये देखो यहां से काटो ना, यहीं से काटो, ब्रोमीन को गोला बना के इसी के ऊपर से काटोगे, सिर्फ यहीं से है, किसी और प्लेन से काटोगे तो पीएस नहीं होगा। तो यहां पे पीएस क्या हो गया, प्रेजेंट, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक आयरल। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज एक आयरल, दैट इज वेरी इजी ना। इसको समझना बहुत आसान था कि नहीं था, बस 3D में थोड़ा सा इमेजिन करना था, जैसे मैंने इमेजिन कराया आप लोगों को आ गया, आ गया ना? हाँ बिल्कुल सानिया शेख, सही बताए हो, कट जाएगा। आसान है ना ये समझना, बहुत आसान है। अब अगला चलेंगे फोर वाले पे, फोर मेंबर वाले पे, ठीक है। अब साइक्लोब्यूटेन पे आइए, सकते हैं साइक्लोब्यूटेन की कहानी, बस समझ गए, एक बार समझ गए। प्रोपेन वाला तो सब मार धुआं धुआं कर दोगे यार, तुम सब एकदम खतरनाक खिलाड़ी हो। एक समझ में आ गया तो ये सब समझना कुछ नहीं है, ये सब हलुआ है, बस ब्यूटेन में लगाने वाले, आप लोग आंसर कर देना फटाक से। देखो पहला साइक्लोब्यूटेन मैंने बनाया, ये साइक्लोब्यूटेन रिंग मैंने लगाया यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लगाया BR। क्या लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, देख के बता जरा, तो क्या लगता है होगा इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? अच्छे से देख लो सभी लोग, क्योंकि गलती का कोई गुंजाइश नहीं है और मैं छोड़ूंगा भी नहीं, गलती करोगे तो पीट देंगे तुरंत। एक गलती भारी पड़ सकती है, हो सकता है कि सीधे कंपटीशन बैठो, कंपटीशन निकले ही ना और ख़त्म हो जाए, इसलिए एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल होगा। अभी मैंने आपको बताया 1-1 है तो होना ही है, ये 1-1 है ना, 1-bromo-1-methyl, तो जहाँ भी 1-1-di सब्स्टिट्यूटेड होगा, परमानेंट लिख चुका हूँ, ये 1-1-di सब्स्टिट्यूटेड है तो इसमें परमानेंट होगा, इसमें तो हर जन्म में होगा। जब दोनों सब्स्टिट्यूट एक ही पोजिशन पर लगे हों तो पीएस हमेशा प्रेजेंट, पीएस हमेशा प्रेजेंट, एकदम आंख मूंद के मारो सर, ये वाला ना एक आयरल है, इसको भगाइए, ये एक आयरल है, भग, एक आयरल है, भगा दो, खत्म, ठीक है। अब अगला देखो, 1-2 लगाएंगे तो कहानी बदल सकती है, थोड़ा सा चेंजेस कहाँ आ सकते हैं, 1-2 में आ सकते हैं, 1-2 में देखो मैंने क्या लगाया, यहाँ पे एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, ये भी मेथाई लगा दिया और ये भी मेथाई लगा दिया, दोनों प्लेन के ऊपर हैं, ठीक है, दोनों प्लेन के ऊपर है। नीचे कौन होगा तब, जब ये प्लेन के ऊपर है तो इसके जस्ट नीचे कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है, तो यहां भी उसके नीचे कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। तो क्या लगता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो जरा ध्यान से, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सभी बच्चे लोग देखो ध्यान से, है कि नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो आप देखो एकदम साफ सुथरा यहां पे आपको दिखाई देगा, एकदम सुंदर सा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, ये आ रहा है, इस मॉलिक्यूल को दो भागों में काटता हुआ ये गुजरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, यही POS है जो कि इसमें प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, एक आयरल, ये हो जाएगा हमारा एक आयरल, देखो जरा है कि नहीं है, समझ में आया ना, यस प्रेजेंट, बहुत आसानी से समझ में आया कि हाँ सर प्रेजेंट तो है, दिख तो रहा है, ये पूरा का पूरा दिख रहा है। जरा इसमें देखो अगला जो बताने जा रहा हूं, ये सिस था, जब सेम प्लेन पे देखो दो मेथिल सेम प्लेन पे ना, दोनों वेज वाले थिक थिक लाइन पे हैं तो उसको सेम प्लेन बोलते हैं, अगर एक ऊपर और एक नीचे आ जाएगा तो उसको ट्रांस बोलेंगे, उसमें होगा कि नहीं होगा यही आपको बताना है। अगला जो बनाने जा रहा हूं ये उल्टा करने वाला हूं मैं, ठीक है, एक साइड पे क्या हुआ, मेथाइल ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन नीचे है, और दूसरे साइड पर हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोजन ऊपर है और मेथाइल नीचे गया, तो एक ऊपर एक नीचे होता है, इसको ट्रांस बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या है, ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, ये ट्रांस वाला स्ट्रक्चर है, ये ट्रांस है, और जब दोनों एक ही साइड होते हैं तो इसको हम लोग सिस बोलते हैं। तो सिस में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री था,
व्हाट अबाउट द ट्रांस, क्या इसमें है? ट्रांस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या? देख के बताइए तो सभी लोग, जो नए बच्चे हो चैनल सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि चैनल आपको बहुत काम आने वाला है। केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी लेवल का आप पढ़ाई करना चाहते हो, आपको इससे बेहतर कोई मिलेगा नहीं, ये सबसे बेहतरीन है, ठीक है ना? बात समझ में आया? पीएस ऑब्सेंट, यस, प्रेजेंट नहीं होगा, ऑब्सेंट होगा भाई लोग, यहाँ पे पीएस ऑब्सेंट होगा। देखो क्यों होगा, ध्यान से समझो, इसको जब तुम कट करोगे, हाँ कट करोगे, तो ऊपर मिथाइल है और ऊपर एच है, एच मिथाइल पे गिर जाएगा, है ना? यहाँ पे क्या था, दोनों ऊपर थे, ऊपर वाला ऊपर पे गिरेगा, नीचे वाला नीचे पे गिरता, बट यहाँ क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना, एच मिथाइल पे गिर जाएगा। जिसको यहाँ से काटोगे मोड़ोगे तो एच मिथाइल पे, मिथाइल एच पे, जबकि पीएस क्या बोलता है, सेम एटम सेम पे गिरना चाहिए, है ना? तो यहाँ सेम एटम सेम पे नहीं गिरेगा, तो यहाँ पे पीएस ऑब्सेंट होगा और ये मॉलिक्यूल काइरल हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा काइरल। कितना आसान है ना, काइरलिटी निकालना आसान निकल जाएगा। इसमें ऑब्सेंट है तो काइरल हुआ कि नहीं हुआ, देखो हुआ काइरल, काइरल हुआ। अब 1 3 पे आने वाला है, ये आपका 1 2 था, ठीक है, ये 1 1 था, ये हमारा दोनों क्या थे, 1 2 पे, मतलब एक 1 पे लगा हो दूसरा 2 पे, ये 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो ध्यान से देख लेना, 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड में सिस होगा तो होने के चांसेस हैं, अगर दोनों ग्रुप सेम है तो। ट्रांस होगा तो 1 2 में कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो 1 2 ट्रांस में नेवर प्लेन ऑफ सिमेट्री, 1 2 सिस में हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मान लो मेथिल मेथिल की जगह में एक को मेथिल एक को क्लोरीन कर देते तो सिस होते हुए भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, बट ट्रांस में कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो 1 2 ट्रांस नेवर है प्लेन ऑफ सिमेट्री, 1 2 सिस में हो सकता है अगर दोनों ग्रुप सेम हो तो, ट्रांस होगा अगर अपोजिट होंगे ग्रुप तो उसमें भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये आपका हो गया पहले 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड और 1 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड। नाउ 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, है ना? अब देखो जरा 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड करने वाले हैं आप लोग, बताओ 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए? यहां लगा देते हैं CH3 और यहां भी लगा देते हैं CH3, है ना? CH3 CH3, क्या CH3 मत लगाओ, CH3 तो आप बता ही लोगे कि हाँ है, सब दिख रहा है। BR लगा देता हूँ। नाउ व्हाट अबाउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या लगता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा, बस यही बताना है। 1 3 में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा? अब मैं फिर से बनाने वाला हूं, ठीक है ना? अभी मैं उसको फिर से रीअरेंज कर रहा हूं, मुझे पता है कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा, इसीलिए तो मैं, कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए तो मैं ये पेपर लेके आया हूं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, कंफ्यूजन का पता नहीं रहेगा, घबराओ मत। इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आप लोगों का कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। पहले है कि नहीं अपने से बताइए, हाँ है, 1 3 में है, 1 3 में हमेशा होता है, याद कर लेना। 1 3 सिस्टम अगर साइक्लोब्यूटेन का हुआ तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ये है हमारा, इसको हम ऐसे देखेंगे, ठीक है? एक ग्रुप मैंने यहां लगा दिया ऊपर, ये ऊपर, और एक ग्रुप लगा दिया यहां पे नीचे, एकदम बीचों बीच ऐसे काटो कट जाएगा। 1 3 में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ऑलवेज, है ना? 1 3 में ऑलवेज होगा, तो यहां पे पीएस प्रेजेंट होगा, चाहे सिस रहे चाहे ट्रांस रहे, हमेशा प्रेजेंट, ठीक है? तो स्टेटमेंट यहीं पे नोट कर लेते हैं हम लोग, 1 3 सिस हो या ट्रांस हो, पीओएस ऑलवेज प्रेजेंट होगा, पीओएस ऑलवेज प्रेजेंट होगा, हर जन्म में प्रेजेंट रहेगा, चाहे दोनों ग्रुप सेम रहें चाहे दोनों ग्रुप अलग रहें। अगर 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा 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 पाया जाएगा, दैट इज द केस, ये इसका सिंपल सा केस है, ठीक है? ये तो दिखाई दे दिया ना 1 3 में, तो आपको साइक्लोब्यूटेन के 1 3 सिस्टम में ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, चाहे दोनों ग्रुप सेम लगे चाहे दोनों ग्रुप अपोजिट लगे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने हैं, ठीक है?
13 डाई सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन ऑलवेज है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो चाहे हम यहाँ पे लिख दें बी आर, यहाँ लिख दें आपका सी एल, तो भी यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगा ही लगेगा, ये यहीं से काटेंगे बीचों बीच, ठीक है। इसको ऐसे बीचों बीच ऐसे कट कर दो, दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। सिमिलरली इसको ऐसे बीचों बीच कट करना था, दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, तो पी ओ एस प्रेजेंट है ना, पी ओ एस हमेशा प्रेजेंट पाया जाएगा। और ऐसे मॉलिक्यूल हमेशा क्या होंगे, एक आयरन, चाहे वो सिस में हो चाहे वो ट्रांस में हो, इसमें हमेशा पी ओ एस होगा प्रेजेंट। आसान है, बोलो सभी लोग आसान है, समझ आया। 1-4 हो गया, 1-5 में नॉर्मल होता है, अब चलेंगे सीधे 1-6, मतलब साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में जहाँ 6 होता है, वहां भी एक कहानी है, उस कहानी को वहां समझना है, ठीक है ना, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, पेंटेन नहीं करेंगे, पेंटेन का प्रोपेन की तरह होता है। तो पहले बताओ साइक्लोहेक्सेन में आपको क्या लगता है, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, इस साइक्लोहेक्सेन में आपको क्या लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो यहाँ तो दिख रहा है, ये देखो यहाँ से यूं गया यूं गया यूं गया, कट गया है, इधर से जाते तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होता, किधर से भी जाओगे यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें तो साइक्लोहेक्सेन में जब कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज 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 रहेगा, हमेशा रहेगा। अब इसको 1-1 लगा लेते हैं, है ना, 1-1, तो 1-1 लगाएंगे तो भी आपको पता है, चाहे सेम ग्रुप लगाइए सर चाहे अपोजिट लगाइए सर, 1-1 है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही, पहले ही पढ़ चुके हैं, 1-1 होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज प्रेजेंट होगा, ऑलवेज प्रेजेंट होगा। अब मैटर फंसेगा 1-2 में, तो 1-2 में कहानी सिस और ट्रांस की है, सिस होगा तो सिमेट्री होगा, ट्रांस होगा तो कभी नहीं होगा। अब देखो जैसे मैंने यहाँ सिस बनाया, ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैंने यहाँ बनाया मेथाइल और यहाँ भी लगाया मेथाइल, ठीक है, और एच इसके नीचे है तो एच ना भी लिखें तब भी काम चलेगा। तो 1-2 अगर लगाते हैं तो 1-2 में अगर दोनों ग्रुप सेम हैं तो यहाँ से काटो, ये इक्वल इक्वल कट जाएगा, तो इक्वल इक्वल कटेगा तो पी एस क्या होगा, प्रेजेंट, वेरी इजी, पी एस क्या है, प्रेजेंट है, देखो है ना प्रेजेंट, पी एस प्रेजेंट है। बट ये एक और सिस बनाता मैं, बट ग्रुप बदल देता, ठीक है, एक और सिस बनाता मैं बट ग्रुप को क्या करता, बदल देता। हमने यहाँ पे एक को लगाता सी एल ऊपर और एक को लगाता बी आर ऊपर, ठीक है, सिस ये भी था बट क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था, ये सिस था प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ये भी सिस है बट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। रीजन ये है कि ये सिस होते हुए भी क्या हुआ, दोनों ग्रुप और एटम क्या है, अलग अलग हैं, तो यहाँ पे पी एस क्या होगा, अपसेंट, यहाँ पे पी एस क्या हो जाएगा, अपसेंट, वेरी क्लियर, इसमें पी एस नहीं होगा क्योंकि ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप क्या है, अलग है, ठीक है, तो इसमें नहीं होगा। और ट्रांस चाहे कुछ भी बन जाए, ट्रांस में किसी भी जन्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री 1-2 में नहीं होता है, अगर एक मेथाइल ऊपर कर दिया और दूसरा मेथाइल नीचे कर दिया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है, ये नीचे करने का मतलब यहाँ हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, तो इसमें पी एस हमेशा क्या होगा, अपसेंट, क्योंकि ये क्या है, ट्रांस है, और ट्रांस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं, ट्रांस मॉलिक्यूल में 1-2 में सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है, तो ये ट्रांस मॉलिक्यूल है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। आ रहा है समझ में, कैसे इसमें कैसे होगा, सिस तो है, दोनों सेम ग्रुप, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों नीचे है ना, हाइड्रोजन नीचे है तो सेम ग्रुप सेम साइड है, सिस तो है, बट जब इसको कट करेंगे तो ओवरलैप सेम सेम पे नहीं होगा, सी एल बी आर पे कट जाएगा, बी आर सी एल पे, जो कि अच्छी बात नहीं है। वीडियो प्लेलिस्ट में जाता है, डेली जाता है, आप देखते जाओ, एक एक वीडियो प्लेलिस्ट में जाता रहता है, ठीक है, वो बाद में अपलोड करता हूँ। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जाते हैं, एक दिन बाद जाते हैं, आप जाके देखो, आज ही डाला हूँ प्लेलिस्ट में। एक्चुअली आप लोगों को फोबिया इस बात का है कि जब ऊपर नीट लिख देता हूँ तो आप लोगों को लगता है बीएससी के लिए नहीं है, बीएससी लिख देता हूँ तो नीट वालों को लगता है, नीट वालों को नहीं, इसलिए मैंने नीट वालों को पहले लिख दिया, बाद में बीएससी वाले में अपलोड करता हूँ, सेम चीज़ चेक कर लीजिएगा, जाता है भाई, एक ही चीज़ लिखोगे तो मैं नहीं समझूंगा।
यहाँ तक समझ में आ गया, 1 2 तक। अब जरा देखो 1 4, 1 3 और 1 4 आखिरी टॉपिक बचा है बस इसी में, 1 3 और 1 4। तो पहले 1 3 का देख लेते हैं। 1 3 सिस्टम होगा तो एक मैंने यहाँ पर लगा दिया सिस, 1 3 सिस्टम का ये सिस है, ठीक है ना, 1 3 सिस्टम का ये सिस है। तो अगर सेम ग्रुप होगा बच्चों, सेम ग्रुप होगा तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा यहाँ पे, प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, उठाना है पेन और ये यूं कट कर देना है यूं। तो ये सिस था बट इसमें पीओएस प्रेजेंट था, सिस था बट पीओएस प्रेजेंट था, है ना। और यही ट्रांस होता तो पीओएस प्रेजेंट नहीं होता, अगर यही सिस्टम ट्रांस होता तो पीओएस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। और 1 4 में बस यहाँ भी एक कहानी है, 1 4 चाहे कुछ भी लगा दे, ऊपर एक्स लगा दे, नीचे लगा दे वाई, तो अगर साइक्लोहेक्सेन में आओगे तो 1 4 साइक्लोहेक्सेन में 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन जो होंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन जो भी होंगे, इन सब में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा, ठीक है ना। इनमें पीओएस ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, ऑलवेज हमेशा हमेशा पाया जाएगा। जैसे 1 1 किसी भी सिस्टम में, 1 3 साइक्लोब्यूटेन सिस्टम में और 1 4 साइक्लोहेक्सेन में पीओएस ऑलवेज प्रेजेंट होता है। और आपको काटना कहाँ से होता है, इन्हीं दोनों एटम के बीच से, जो एटम आपको दिखाई दे रहा है इसी से काटेंगे, यहीं से कर देंगे इसको हम कट। तो इसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई देगा। तो 1 4 में हमेशा होगा, ठीक है। 1 3 में सिस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ग्रुप, और ट्रांस में कभी नहीं होगा। सो इतनी सारी बातें आपको मैंने आज सिखाई हैं, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। कितने लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर हो गई, बताओ बच्चों, कितने लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर हो गई। क्लास डेली करिएगा तो गजब इंटरेस्टिंग होता है भाई, क्लास इंटरेस्टिंग करने के लिए पढ़ाया जाता है। अब लोग क्लास करोगे तो इंटरेस्टिंग रहेगा ही ना। तो आज आपका ये कंप्लीट हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, आपने पूरा हर सिस्टम का प्लेन ऑफ सिमेट्री सीख लिया। मैंने इसको डिटेल में इसलिए पढ़ाया क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सिमेट्री यहीं पे है और इसी से मेजोरिटी में तो क्वेश्चन आते हैं, बाकी सेंटर ऑफ सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री छोटा छोटा है, यही मेन बड़ा वाला सिस्टम था। ओके सो ये कंप्लीट प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका कंप्लीट हो गया।